अत्यधिक खून बहने से प्रसूता की हुई मौत। पोहरी ब्लॉक के सिकंदपुरा में एक प्रसूता की 108 एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो गई। प्रसूता को तत्काल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया, लेकिन नवजात बच्ची की जान बच गई है। डॉक्टर्स बच्ची का उपचार विशेष निगरानी में कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिकंदपुरा गांव की रहने वाली 30 साल मेवा आदिवासी का ससुराल शिवपुर जिले के दांती गांव में है। शनिवार मेवा आदिवासी का पति रामानंद आदिवासी अपनी पत्नी मेवा और दो बच्चों को अपनी ससुराल सिकंदपुरा छोड़कर गुजरात चला गया था। रविवार की रात पूर्व मेवा आदिवासी को तेज प्रसव पीड़ा उठी थी, लेकिन मेवा के माता पिता ने मेवा को पोहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती ना कराते हुए सुबह होने का इंतजार करते रहे, लेकिन 6 बजे 108 एम्बुलेंस प्रसूता मेवा को लेने उसके घर पहुंची ही थी कि प्रसूता ने बच्ची को जन्म दे दिया। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से प्रसूता को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन बीएल यादव ने बताया कि प्रसूता एनेमिक थी। कुछ समय पहले प्रसूता का उपचार जिला अस्पताल में चला था, जहाँ उसे खून की 3 यूनिट भी चढ़ाई गई थी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदपुरा के। सिकंदपुरा कहाँ पड़ता है? कोई तहसील में। हाँ, तो ये क्या क्या लेके आए थे आप? अरे हमारी बच्ची है सुपर की। हाँ, उसको लेके आए। बाहर जाए धनी है। डिलीवरी थी? हाँ डिलीवरी। क्या नाम है लड़की का? मेवा आदिवासी। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 30 के आसपास है। पहले भी बच्चे थे? हाँ, दो बच्चे हैं। तो तीसरा बच्चा था जी? तीसरा बच्चा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं है डॉक्टर को, हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ बता नहीं रहे? कुछ बता रहे, कुछ तो कह रहे होंगे। हाँ, कुछ तो कह रहे होंगे। जहाँ से लाओ और खून लाओ ना कह रहे। अभी जी माता जी कह रहे हैं कि वो हिल नहीं रही, कुछ नहीं हो रही। हाँ जी, कह रहे हैं कि हिल नहीं रही। तो डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे तुम्हें? कुछ तो बोला होगा डॉक्टर ने। ब्लड लाओ का ब्लड।